हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विनीता गढ़वाली माँ से आज मैं आपको ले चलती हूँ गोल्डन टेंपल। चलिए गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ। हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग और गोल्डन टेंपल। विशु को मैंने नहलाया, देखो हीरो रेडी हो गए हैं। और गाइस, मेरे अभी बाल गीले हैं तो सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे वहां पे बाल खुले मतलब बाल धोके ही जाना था क्योंकि बहुत गंदे बाल हो रहे थे। तो अभी मैं थोड़े टाइम तक ऐसे ही लगने वाली हूँ। और विशु को मैंने नहला के सुला दिया था, वो आराम से सो रहे हैं और अभी मैं उसको उठाने वाली हूँ। तो मैं उसको उठा के रेडी करके फिर आपसे मिलती हूँ। और ये देखो हीरो, और मैंने ये जीन्स और ये कुर्ता डाला है और इन्होंने मेरी गिफ्ट की भी शर्ट डाली है। ये बताना जरूरी था? हाँ, ये मेरा गिफ्ट करा हुआ है, क्यों नहीं बताया? ये इन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, ये मैंने इनको गिफ्ट किया है, ठीक है। और ये जीन्स भी मैंने इनको गिफ्ट करी है, ये जीन्स भी मैंने गिफ्ट करी है। पूरी मेरी बात कर रहे हो? चलो मैं विशु को उठा लेती हूँ पहले। सोता सोता। विशु सो रहे हैं तो विशु को मैं गाड़ी तक ऐसे ही लेके जाऊंगी। उसके बाद हम पैदल जाएंगे, सॉरी पैदल जा रहे हैं कि हम? yes. यार हम पैदल जा रहे हैं तो मैं विशु को ऐसे ही लेके जाने वाले हैं हम। और मैं विशु को कैप उड़ा देती हूँ क्योंकि विशु सो रहे हैं। चलो कैप का है तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं अमृतसर और ये है जलियांवाला बाग। और इसी के थोड़ा सा आगे चल के आपको मैं दिखाऊंगी गोल्डन टेंपल। पहले हम घूम लेते हैं जलियांवाला बाग। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये है इसकी एंट्री। यहाँ से लोग जा रहे हैं और लेफ्ट साइड में है इसका एग्जिट गेट, वहाँ से लोग निकल के आ रहे हैं। तो हमें अभी जाना है इधर जहाँ पे लोग ये जा रहे हैं। तो गाइस, अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको ये एक नोटिस बोर्ड दिखेगा, इसमें सारी सूचनाएं लिखी हुई हैं। जो भी उस टाइम पे हुआ था वो सब इसमें लिखा हुआ है। उसके थोड़े आगे चलते आपको ये दिखेगी अमर ज्योति। ये अमर ज्योति है उस टाइम पे जो शहीदों के लिए जलाई जाती है। ये यहाँ पे बहुत बड़ा सा बना रखा है बैठने के लिए। और ये है आगे जाने का रास्ता, हम लोग आगे जा रहे हैं। बहुत बारिश हो रही है, बारिश की वजह से सारा मौसम खराब हो रखा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कीचड़ कीचड़ हो रखा है। और फिर भी सभी लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। ये जलियांवाला बाग है, आपने देख ही लिया होगा। और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है बारिश में भी। और ये विशु हमारे सोतू सोतू, हम उनको ले आए, देख रहे हो आप? जोते जोते ले आए हम उनको। और पता है कैप की उतार दी, कैप ना कीचड़ में गिर गई उसकी, तो वो मैंने हाथ में रख ली है। मैंने कहा कीचड़ वाली कैप तो नहीं पहनाऊंगी अब मैं अपने बेबी को। दिखा देती हूँ मैं आपको यहाँ पे।
गाइस ये है एक दीवार। इस दीवार का अपना ही एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इस दीवार पर 28 गोलियों के निशान हैं, आप देख सकते हैं, जो कि जनरल टेलर के आदेश पर चलाई गई थी। उस समय लोगों पर 1650 गोलियां चलाई गई थी, आप देख सकते हैं गाइस, सारी गोलियों के निशान आपको प्रॉपर दिखाई दे रहे होंगे इस दीवार पर। और हर्षमित जी आ गए हैं फोटो क्लिक करने के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मॉडल है वो इस तरीके से दर्शाया गया है कि उस समय लोगों की कंडीशन इस तरीके की थी और इस तरीके से उनको मारा गया था। और अभी मैं आपको लेके चलती हूँ आगे। बीजू क्या हुआ? विशु विशु बोला कैसे देख रहा है लड़का, बाबू पूरा कितना ग्रीन ग्रीन हो रखा, सच्ची में मस्त सा हो रखा मेरी तो। आप अगर मैं तो गाइस ये है इन्फॉर्मेशन वॉल, आप देख सकते हैं जिसके अंदर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है उस टाइम की, जो भी उस टाइम में हुआ था वो सब इस वॉल के अंदर उन्होंने दर्शाया गया है, देख सकते हैं आप। और ये मैं आ गई हूँ बाहर, आपको मैंने दिखाया था एग्ज़िट गेट, ये मैं एग्ज़िट गेट से बाहर आ गई हूँ। और गाइस यहाँ पे लगी हुई है शहीद उधम सिंह जी की प्रतिमा, आप देख सकते हो सब लोग इनके साथ फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। आपने जलियांवाला बाग देखा और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ गोल्डन टेम्पल। अभी चलते हैं आगे तो दिखाती हूँ मैं आपको। चलो ये सारी शॉप्स हैं जूतियों की और दुपट्टास, देखो मतलब बहुत प्यारी प्यारी शॉप्स हैं, जो भी मतलब सामान यहाँ पे सारे सामान अवेलेबल हैं, सब सामान मिलते हैं यहाँ पे। और वो सामने देखो गोल्डन टेम्पल आपको दिखाई दे रहा है। लस्सी पी लेते हैं चलो बाबू, ठंडी लस्सी। हाँ चलो ये हम आ गए हैं लस्सी पीने। ये लस्सी पियो चलो। विशु को भी पीनी है, विशु पी लो। नहीं यार देख रहे हो उसकी, इधर देखो। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा मार्केट है, इधर से हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल के लिए। मे बी शायद से ये एक ही रास्ता है आने का और जाने का, और भी होगा बट हम इसी रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं जूतियों की, बहुत अच्छी अच्छी दुपट्टा मिलती हैं यहाँ पे, तो हम इसी रास्ते से जा रहे हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सामान मिल रहा है, बच्चों के लिए खिलौने बहुत सारे टॉयज़ मिल रहे हैं यहाँ पे। और ये भी देखो आप कितना प्यारा लग रहा है, मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ तो इसलिए मेरे को भी ज़्यादा नहीं पता है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, आपको बस मैं दिखा सकती हूँ। और अभी हम चल रहे हैं धीरे धीरे आगे। आगे जाने के बाद अश्मित जी अपने लिए खरीदेंगे हैंकी, और क्योंकि हमने तो ऑलरेडी ले लिया था विशु ने और मैंने,
अब अश्विन जी की बारी है, वो अपने लिए हैंकी चूज करेंगे कि उनको कौन सा हैंकी लेना है, तो इसलिए हम आगे आगे जा रहे हैं, शायद से कोई शॉप मिल जाए तो उसमें हम उनके सर के लिए हैंकी ले लेंगे। और आप ये देख सकते हैं हम गोल्डन टेंपल के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा है सब कुछ, मतलब देखने में भी अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। आप देख लीजिए। और गाइस आगे जाके मैं कह नहीं सकती कि आपसे मुझे बात करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहाँ पे फ़ोन अलाउड होगा या नहीं होगा। तो गाइस ये हम पहुँच चुके हैं गोल्डन टेंपल, आगे आपको लेके चलते हैं। मैंने तो ये अपने सिर पे बांध लिया था, मैं इनके लिए लेने आई हूँ ये। आप बता दीजिए आपको कौन सा कलर चाहिए, ये आपकी पसंद है, आप कौन सा ज्यादा सही रहता है? सारे वाइट ही हैं मेरे से। नहीं देख लो फिर भी आपको कौन सा अच्छा लग रहा है ना उसी से ले लो, कोई सा ले लो यार। ये ब्लू ये कैसे रहेगा, ये बड़े वाला
आपने विशु की पग देखी है? विशु अभी क्या बनाओगे? पग दिखाई आपने विशु? अभी क्या बनाओगे? अभी अभी देखो, अभी मैं एक ये वाला पहन लेता हूँ, इसको ये पिंक वाली पहन, ये वाली पहना दो, और एक और ले लो ब्लू वाली, एक और ले लो। दो दो को क्या करना है यार? नहीं घर बना लेना, नहीं बनाती हूँ मैं घर में। चलो आओ मैं बताती हूँ क्या करना है। आओ मैं बताती हूँ क्या करना है। विशु विशु चल 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 आओ आओ थोड़ा सा घूमे घुमा। गाइस बहुत 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 अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब मौसम भी बहुत ठंडा हो रखा है और यहाँ पे तो आगे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा है। और ये विशु को देखो आप, विशु भी परेशान थे पर विशु को भी अभी बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये देखो यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। और ये इस टेंपल की तो मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा है, बस बहुत ही अच्छा है। विशु ये विशु देखो, अब विशु के डैडी कहाँ हैं? ये है अभी तक तो बारिश हो रही थी पर अभी बहुत ठीक हो गया। आप नीचे नीचे देख रहे हो कितना साफ है। और ये गढ़वाली माँ थकी थकी सी लग रही है बिल्कुल, और मैं थकी थकी सी लग रही हूँ क्योंकि मेरी गोदी में विशु है। मैं विशु को अभी छोड़ रही हूँ नीचे। विशु आओ देखो, ये मेरा विशु, मेरा विशु। आ जाओ नहीं 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 इधर 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 विश उधर नहीं। अच्छा लग रहा है, चलो आ जाओ। नहीं भाई एक और ये वाला, ये अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं ले लो, चलो डैडी इधर है उसका बस तो यहाँ पे भी। शादी होके यहाँ पे आना चाहती थी बट पापा जी चाहते थे कि मैं विशु के साथ यहाँ पे आऊँ, तो
गाइस मैं ना यहाँ पे बहुत पहले से आना चाहती थी, जब मेरी शादी हुई थी और बाबा जी चाहते थे कि मैं विशु के साथ आऊं। और ये देखो, ये मेरी हैप्पी फैमिली है। बाबा जी ने बोला कि आप अपनी पूरी हैप्पी फैमिली के साथ आना। ये मेरे बाबू, ये बाबा जी के उससे ही मेरे को मिला है, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे विशु को लेके आना। थैंक यू बाबा जी। देखो शर्म आ गया। चलो अभी आपको आगे लेके चलते हैं। ये देखो विशु क्या हुआ। सच्ची में मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ कि मैं विशु के साथ यहाँ पे आई हूँ। और ये मेरे प्यारी जो हब्बी, इतना रात में गाइस आप देख सकते हो, बट ये फोन में उतना अच्छा नहीं आ रहा है जितना रियल में ये लग रहा है। ये बहुत सुंदर लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, ये बहुत 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 ज्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। गाइज हम अभी रात का व्यू लेने आए थे और अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है और विशु को निन्नी भी करानी है। तो अभी हम घर जा रहे हैं और नेक्स्ट हम आएंगे कल सुबह पूजा के लिए। आजा आजा आजा, ए इधर 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 ले लो उसको, ले लो ले लो। क्या दो भैया, मैंने सोचा आपने मुझे टॉफी दे दी तो मैंने वो मुंह में खा ली। बाय कर दो। बाय, क्या था भैया? अरे लाइट है वो। चलो बाय कर दो। बाय बाय बाय। ले लेती हूँ ना, एक बनाना ना बनाना वो तो बाद में डिपेंड करेगा ना। देखिए इसका हाथ पे आएगा क्या? छोटा भैया से थोड़ा सा बड़ा देना, उसके लिए प्रॉब्लम। ये वाला सही रहेगा क्या? वही वाला पहनने के लिए। हाँ ये सही है ना, ये अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा है। एक्चुअली ये स्टील है, ये आयरन है। ओ ये स्टील है, कोटेड है। तो काला कौन सा हो जाएगा? ये काला वाला, ये कोटेड है ना। इसको इससे थोड़ा सा बड़ा दे दो ना। मैं विशु के लिए ले रही हूँ कड़ा, अपने लिए भी यही लूंगी सेम, और इनके लिए भी दिखा दो। हेलो ले लो विशु। ये वेरी गुड। ओके एक इनके हाथ का भी दे। मेरे को भी बना रहे हो? हाँ बाबू ले लो। बारीक मोटा पर काला नहीं होना चाहिए। हम गुजरात से आए, हम दोबारा नहीं आएंगे। हमें लो मोटा भाई। छोड़िए, इसका भी सेम प्राइस है। हालू छोड़ो मोटा भाई, टाइट मत बनाना, फिर इनको दिक्कत करता है वो बाद में ना। ठीक है ठीक है ठीक है। हालू छोड़ो मोटा भाई, एक सेम और दे दो, सेम यही साइज देना। हाँ दीजिए, नहीं उतारो मत, उतारो मत।
मेजरमेंट के लिए पहना दो, दूसरा पहना के देख लेना। उतारना पड़ेगा ना, बड़ा है, बड़ा है। ये बड़ा है, बड़ा है। इसलिए बोला मेजरमेंट के लिए। इसे छोटा देखो अब। अरे विश, ये क्या कर दिया, क्या बात है। एक मेरा इसमें से ही आएगा क्योंकि मेरा बहुत हल्का हाथ है, चूड़ी भी बहुत हल्की। ये देखो मैंने ये ले ली, नहीं ये वाली, सॉरी ये वाली नहीं, कौन सी वही वही जो था। मैंने एक ये ली है और ये कड़ा देख लिया आपने, मैं आपको एक बार अंदर से शॉप दिखा देती हूँ। हाँ लिफ्ट में है अभी ना। हाँ ये मेरे छोटू गर्ल बेस्ट हो गए। हम आ गए हैं गोल्डन टेंपल घूम के और अभी थोड़ा सा काम करना है, विशु को दूध देना है और बहुत कुछ करना है, थोड़ा सा आराम भी करना है। ये देखो नींद आ रही है इनको। तो गोल्डन टेम्पल बहुत अच्छा था, आप वीडियोस फोटोज इंजॉय करना और मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपके पास दोबारा आऊंगी ये वाला व्लॉग, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। तो गाइज आपको हमारा आज का ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।